आसमान तो नहीं। चुमरो चुमरो बल भी बिनोने जिंदिया, बल भी बिनोने जिंदिया, बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे सबसे पहले तो अनूप जलोटा जी मेरे मेंटर हैं, तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक गाना उनके साथ गाऊं। ऑल्दो मैंने एल्बम भी उनके साथ किया हुआ है, बट सिंस 15 अगस्त आ रहा है तो दिस वाज द बेस्ट डे थ्रू विच आई कुड एक्सप्रेस के द वर्ल्ड विल बी नोन एज इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन इन दिस वर्ल्ड। तो कोई भी आप सेक्टर देख लें, बिजनेस देख लें, सॉफ्टवेयर देख लें, एंटरटेनमेंट देख लें, तो हमारे इंडियंस हर जगह छाए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि द वर्ल्ड विल बी नोन एज इंडिया, यही हमारा कैच लाइन है गाने की, और इसलिए हमने ये गाना आज रिकॉर्ड किया है। भारत पूरे संसार को एक बार भारत कहा जाता था, पूरा विश्व भारत था। इसका मतलब ये है कि भारत ने कोई अटैक्स करके उन देशों को अपने कब्जे में नहीं किया। भारत की संस्कृति, भारत की शांति प्रियता, भारत की सुख शांति सारे विश्व में थी, और हम अब उसी विश्व की एक बार फिर कल्पना कर रहे हैं, उसी संसार की, उसी वर्ल्ड की फिर से हम कल्पना कर रहे हैं कि ये पूरा संसार शांति प्रिय हो, ये जो टेररिज्म है ये सब हट जाए, शांति प्रिय हो, हमारा जो कल्चर है, हमारी सभ्यता है, वो हर देश में आ जाए, और ये पूरा संसार भारत के रूप में जाना चाहे। ये एक बड़ी सुंदर कल्पना है, और मुझे विश्वास है कि हमारे देश में 15 अगस्त को ये गाना खूब सुना जाएगा और हम सब अपने देश को और प्यार करना शुरू कर देंगे। वो तो इतने कोऑपरेटिव हैं, वो कहते बिल्कुल जी, इंग्लिश is in fact the language known in the world, तो हमने सोचा कि इस लाइन को हम इंग्लिश में ही गाएं। वजह ये है कि आज हर जनरेशन हम लोगों का संगीत सुनती है, गजलें सुनती है, भजन सुनती है, फिल्म सॉन्ग सुनती है, क्लासिकल सुनती है, लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल आता है तो जो आज यंगर जनरेशन है उसको इस लैंग्वेज से, इंग्लिश में सुनने से बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं और उस ओर आकर्षण बढ़ता है। इसलिए हमने इस गीत में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स रखे हैं, और वो भी जो टोटल मैसेज है जो इस गीत का, वो इसी एक लाइन इंग्लिश की जो है उसमें आ जाता है। जी बहुत मज़ा आया। इस ये लिरिक्स लिखे हैं शाहीन इकबाल जी ने, और इसे कंपोज किया है संदीप चैटर्जी ने, तो बहुत ब्यूटीफुल कंपोज किया, बहुत ही सुंदर लिखा है जैसे आपने सुना होगा, और अनूप जी ने चार चांद लगा दी इस गाने में, तो बहुत ही मज़ा आया है रिकॉर्डिंग करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा गा के, और थैंक्स टू प्रीति कि प्रीति ने हमको ये गाना सिखाया बैठा के, तो ये हमारी टीचर हो गई आज, और इस गाने को बड़े प्रेम से हम दोनों ने मिलके गाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गूंजेगा।